गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। टुडे वी विल डू अवर टॉपिक एडजेक्टिव्स, और एडजेक्टिव्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स आर वर्ड्स विच क्वालिफाई द नाउन्स दैट फॉलो। जिस नाउन के साथ डिटरमिनर्स यूज होते हैं वो उनको क्वालिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। These nouns can be names of objects, और ये nouns जो है किसी भी object का name हो सकते हैं। We can count, they are called countable nouns। जिन objects को हम count कर सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? Countable nouns। For example, pencil, orange, brother, in these we can count, so these are countable nouns। Some nouns are the names of objects that we cannot count। कुछ objects के name जिनको हम count नहीं कर सकते, such nouns are called uncountable nouns। उनको हम uncountable nouns बोलते हैं। Examples, milk, sugar, scent। Milk, sugar, scent, in these nouns we can't count them, so these are uncountable nouns। Words like some, any, much and many are determiners। Words like some, any, much and many are determiners। अब इन determiners का कहां कैसे use करते हैं, we will read in this chapter। Some is used in affirmative sentence। Affirmative sentence means जो simple sentence होता है, statement, with countable and uncountable nouns। Some जो determiners है वो countable और uncountable दोनों nouns, दोनों type के nouns के साथ हम इसका use करते हैं। Simple affirmative sentences means simple sentences में। For example, some men are born great। Some men are born great। तो men क्या है? Countable noun है, but हमने इसके साथ some जो है determiners का use किया। There is some coffee left in the kettle। Coffee क्या है? Uncountable noun है। तो इसलिए सम जो डिटरमिनर्स है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों टाइप्स के नाउन के साथ हम इसका यूज कर सकते हैं। एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एनी भी क्या है? एक डिटरमिनर्स है, और इसका यूज हमें नेगेटिव, इसका यूज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में और इसके साथ countable और uncountable दोनों nouns के साथ यूज करते हैं। यानी any भी हम countable और uncountable दोनों टाइप के nouns के साथ यूज कर सकते हैं, बट नेगेटिव और interrogative sentences में इसका यूज करते हैं, affirmative sentence में इसका यूज नहीं करते। For example, have you got any books? Have you got एनी बुक्स? तो यहाँ बुक्स क्या है? काउंटेबल। हैव यू गोट, क्या आपको कोई बुक मिली? एनी। तो नेगेटिव सेंस के लिए हम इसमें एनी का यूज करेंगे। आई डिडंट गिव हिम एनी मनी। आई डिडंट गिव हिम एनी मनी। मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, बट हमने इसके साथ एनी का यूज किया और सेंटेंस हमारा क्या है? नेगेटिव। फर्स्ट जैसे इंटरोगेटिव था, हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ भी हमने एनी का यूज किया, और बुक्स क्या है? काउंटेबल नाउन। यहाँ मनी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, बट हमने यहाँ भी इसके साथ नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया। सो एनी का यूज हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस में करते हैं, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों टाइप के नाउन्स के साथ इसका यूज करते हैं।
एनी इज ऑल्सो यूज फॉर एम्फेसिस इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस. अगर हम एम्फेसिस मीन्स किसी भी जो है सेंटेंस में किसी भी नाउन के साथ यूज तभी करते हैं जब हम उसके ऊपर कोई स्ट्रेस डाल रहे हैं. एक्स्ट्रा स्ट्रेस डालने के लिए हम इसका यूज करते हैं. सी विल पे एनी प्राइस फॉर इट. सी विल पे एनी प्राइस फॉर इट. वो इसके लिए कोई भी कीमत दे सकती है. मतलब ये यहाँ एनी का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि इसमें सिंपल सेंटेंस है बट फिर भी क्या है कि हम इसके ऊपर स्पेशली जो है इसको स्पेसिफिक बना दिए. इसको जो है इसके ऊपर हम स्ट्रेस रहे कि वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है. सो वी यूज एनी. नेक्स्ट है मैनी. मैनी डिनोट्स अ ग्रेट नंबर. मैनी डिनोट्स अ ग्रेट नंबर. मैनी का मतलब ग्रेट नंबर होता है. वाइल मच डिनोट्स क्वांटिटी. मैनी किसके साथ यूज करते हैं? नंबर्स के साथ, मींस जो काउंटेबल नाउन होगा उसके साथ. और मच डिनोट्स क्वांटिटी. और मच का यूज कहाँ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन के साथ. मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. मैनी इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स व्हाइल मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन. मच का यूज कहाँ करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से थे? जैसे मिल्क, सुगर, सैंड. और मैनी का यूज कहाँ करेंगे? जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ. जैसे फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, ऑरेंज, ब्रदर, मैन, ये सब क्या है? काउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल मैनी पीपल वेंट टू सी द मैच. तो यहाँ पीपल क्या है? काउंटेबल नाउन. हमने क्या यूज किया? मैनी का. वेंट टू सी द मैच. देयर इज नॉट मच वॉटर इन द टैंक. देयर इज नॉट मच वॉटर. वॉटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हमने इसके साथ मच का यूज किया. देयर इज नॉट मच वॉटर इन द टैंक. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. Listen this video carefully and try to understand determiners, how we use them, and you will try to do book exercise I and J. I and J, you will try to do these book exercise. Fill in the blank with some or any. जो I exercise है इसमें आपको some or any दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं. सम का यूज जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस में और एनी का यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं. इसलिए इन सेंटेंसेस को रीड करो और इसके इसमें जो ब्लैंक्स है उनमें आपको फिल करना है. यू विल ट्राई आफ्टर इन नेक्स्ट क्लास वी विल मैच दीज बुक एक्सरसाइज व्हाट यू हैव डन. ओके. इन सेकेंड जे फिल इन द ब्लैंक्स विद द मच और मैनी. यहाँ आपको क्या यूज करना है इस एक्सरसाइज में? मच और मैनी. मच किसके साथ यूज करना है? अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ. और मैनी कहाँ यूज करना है? काउंटेबल नाउन के साथ. सो ट्राई टू डू दीज बुक एक्सरसाइज आई एंड जे. डू यूर सेल्फ बेटा. थैंक यू.